नमस्कार। आज मैं जो बातचीत आपके साथ करने जा रहा हूं, इससे पूरे देश के सामने भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा उजागर होगा। भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से दिल्ली के अंदर मंदिरों को तोड़ने की योजना बना रही है, इसका मैं आपके सामने खुलासा करने जा रहा हूं और एक एक करके आपको मंदिरों की डिटेल बताऊंगा। कितने मंदिर तोड़ने की योजना भारतीय जनता पार्टी बना रही है, पूरे देश में ड्रामा करेंगे धर्म के नाम पे, झगड़े कराएंगे धर्म के नाम पे, नफरत फैलाएंगे धर्म के नाम पे, दिल्ली में ड्रामा करेंगे धर्म के नाम पे, धर्म के सबसे बड़े ठेकेदार बनने का काम करेंगे भाजपा ही। लेकिन दिल्ली में एक दो तीन चार नहीं, 53 मंदिरों को तोड़ने की इनकी योजना है। 53 मंदिरों को भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी की सरकार दिल्ली में एक दो नहीं, 53 मंदिर तोड़ने जा रही है। 53 मंदिर। भाजपाइयों को सामने आके इसका जवाब देना पड़ेगा। यह तुम्हारी असलियत है, यह तुम्हारा असली चेहरा है धर्म को लेकर, और मैं एक एक करके आपको बता रहा हूं। इन्होंने दिल्ली सरकार को चिट्ठी लिखा है और कहा है कि रिलीजियस कमेटी से हमें परमिशन चाहिए। यह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की चिट्ठी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की चिट्ठी है दिल्ली सरकार को, और दिल्ली सरकार को लिखा है कि हमें 53 मंदिरों को तोड़ने की अनुमति चाहिए। और वो 53 मंदिर कौन कौन है, मैं एक एक करके आपको बता रहा हूं। त्यागराज नगर में श्री काली मंदिर, श्री हनुमान मंदिर, श्री कृष्ण आध्यात्मिक मंदिर, श्री राम प्राचीन मंदिर, श्री राम का भी प्राचीन मंदिर तोड़ने के लिए अनुमति मांग रहे हैं। श्री राम के प्राचीन मंदिर को भी तोड़ने जा रहे हैं भाजपा। श्री गुड़गांव वाली माता मंदिर, फिर कस्तूरबा नगर में हनुमान मंदिर, महादेव मंदिर, माता मंदिर, प्राचीन साई धाम मंदिर, शिव मंदिर, प्राचीन काली माता मंदिर, दुर्गा माता मंदिर, प्राचीन शिव मंदिर, प्राचीन शीतला माता मंदिर, शिव मंदिर, हनुमान मंदिर, शिव मंदिर, शिव बाल मंदिर, साई मंदिर, हनुमान मंदिर, प्राचीन महाकाली मंदिर, बालाजी मंदिर, प्राचीन सनातन धर्म शिव मंदिर, श्री शिव हनुमान मंदिर, यह हो गया कस्तूरबा नगर में। अब श्रीनिवासपुरी में श्री सिद्धेश्वर हनुमान मंदिर, श्री मधेश्वर मंदिर महिला सत्संग, श्री देव सनातनम मंदिर, यह श्रीनिवासपुरी का एरिया है। श्री शांति मंदिर, साईं धाम मंदिर, श्री नीलकंठ महादेव मंदिर, श्री शक्ति हनुमान मंदिर। अब आ जाइए मोहम्मदपुर में, ये अभी तक श्रीनिवासपुरी। विश्वव्यापी राम नाम जाई यज्ञ शिव मंदिर। फिर आ गया नौरोजी नगर, नौरोजी नगर में आर्य समाज मंदिर, सनातन धर्म मंदिर, गुरुद्वारा नौरोजी नगर, एक गुरुद्वारा का भी नाम इन्होंने दिया है। सरोजनी नगर एरिया में प्राचीन शिव मंदिर, प्राचीन हनुमान मंदिर, साई टेंपल, पालिका आवास मंदिर, सिंध शक्तिपीठ मंदिर, शनि मंदिर, यह हो गया सरोजनी नगर में। और नेताजी नगर में माता मंदिर, तीन माता मंदिर है, शिव मंदिर है, साईं मंदिर है, शनि मंदिर है, शिव हनुमान मंदिर है, फिर माता मंदिर है, मजार है, शिव मंदिर है, ये कुल मिला के 53 मंदिर आदेश गुप्ता और उनकी पार्टी
नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का ये असली चेहरा है, 53 मंदिर दिल्ली में तोड़ने जा रहे हैं, 53 मंदिरों को गिराने जा रहे हैं, तोड़ने जा रहे हैं, जिसमें प्रभु श्री राम का मंदिर, प्रभु श्री कृष्ण का मंदिर, महादेव शिव का मंदिर, माता दुर्गा का मंदिर, साईं बाबा का मंदिर, कोई मंदिर नहीं तोड़ रहे हैं, छोड़ रहे हैं जिसको इन्होंने छोड़ा, और 53 मंदिर दिल्ली के अंदर तोड़ने जा रहे हैं। तो भाजपाइयों, तुमको अपने चेहरे पर कालिख लगा के घूमना चाहिए। ड्रामा करते हो देश भर में धर्म के नाम पे, मंदिर के नाम पे ड्रामा करते हो, और दिल्ली में जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है, वहां 53 मंदिर तोड़ने जा रहे हो, और भगवान शिव का मंदिर, भगवान राम का मंदिर, भगवान कृष्ण का मंदिर, भगवान हनुमान का मंदिर, दुर्गा का मंदिर, साईं का मंदिर, कोई मंदिर नहीं छोड़ा। तो इसलिए आज नरेंद्र मोदी जी को, उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को, दिल्ली का जो इनका प्रदेश अध्यक्ष है आदेश गुप्ता, घूम घूम के जो चिल्लाता रहता है, ड्रामे करता है, उसको पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी को और इनके चेहरे को देश के सामने मैं बेनकाब कर रहा हूं। कालिख लगा के इन बेईमानों को घूमना चाहिए। ये कितने बड़े हिंदू धर्म के विरोधी हैं, ये कागजात इस बात का सबूत है। ये हिंदू धर्म के कितने बड़े विरोधी हैं, ये इस बात का कागजात ये सबूत है। 53 मंदिर दिल्ली में तोड़ने जा रहे हैं भाजपाई। तो आदेश गुप्ता को सामने आके, नरेंद्र मोदी जी को सामने आके, दिल्ली की जनता से हाथ जोड़ के, नाक रगड़ के माफी मांगनी चाहिए। आप मंदिरों को तोड़ने जा रहे हैं, ड्रामे करते हैं धर्म के नाम पे, धर्म के ठेकेदार बनते हो। तुम्हें शिव का, राम का, हनुमान का, दुर्गा का, साईं का, सबका मंदिर तोड़ना है। तो ये एक बड़ी जानकारी थी जो मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं, और मैं समझता हूं कि इसमें भारतीय जनता पार्टी को सामने आकर जवाब देना चाहिए, और ये इनके असली चेहरे को उजागर करता है कि कितने बड़े हिंदू धर्म के विरोधी ये लोग हैं। 53 मंदिर तोड़ने की ये सूची इन्होंने जारी की है। इन मंदिरों को बचाने के लिए आम आदमी पार्टी का क्या स्टैंड है? अभी हमारे सरकार के पास चिट्ठी आई है और इस पर सरकार फैसला लेगी, लेकिन मैं आप लोगों के सामने ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि धर्म के सबसे बड़े अलंबरदार बनने वाले, धर्म के सबसे बड़े ठेकेदार बनने वाले भाजपाइयों का ये काला चेहरा है। 53 मंदिरों को तोड़ने की अनुमति मांगी, 53 मंदिर तोड़ने जा रहे हैं दिल्ली के अंदर ये लोग। इसके अलावा अग्निपथ योजना को लेके कल एक बहुत ही आपत्तिजनक बयान बिहार के मंत्री ने दिया, उसके पहले इनके एक विधायक ने दिया, उसके पहले इनके केंद्रीय मंत्री ने दिया, उसके पहले इनके एक राष्ट्रीय महासचिव ने दिया। पूरी की पूरी भाजपा, इस वक्त जो नौजवानों का आंदोलन चल रहा है, और कल आप लोगों ने देखा होगा कि 19 साल के कन्हैया कुमार ने, अंकित नाम के नौजवान ने, दो नौजवानों ने पिछले कुछ दिनों में आत्महत्या की अग्निपथ योजना के अनाउंसमेंट के बाद। राजस्थान में रोते बिलखते हुए नौजवानों के वीडियोज आ रहे हैं, चीख रहे हैं वो। बहुत सारे लोग ओवर एज हो गए, बहुत सारे लोग इस अग्निपथ योजना में जाना नहीं चाहते, वो पीड़ित हैं, दुखी हैं, लेकिन इस उनके इस घाव पर, उनके इस गहरे घाव पे नमक छिड़कने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं। इनका एक विधायक है हरभूषण ठाकुर, वो कह रहा है ये लोग तो जिहादी हैं। कल इनका बिहार का एक मंत्री है राय, वो कह रहा है ये आतंकवादी हैं। इनका एक केंद्रीय मंत्री है किशन रेड्डी, वो कह रहा है लोग धोबी, नाई, ड्राइवर, चालक, इलेक्ट्रीशियन बन जाएंगे।
इनका एक राष्ट्रीय महासचिव है, वो कह रहा है बीजेपी के दफ्तर में गार्ड लगा लेंगे। इनके भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता और विधायक, तमाम इनके केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं अरे भाई आप लोग क्यों हल्ला मचा रहे हो, सेना तो देश की सेवा है, सेना नौकरी नहीं है, सेना पैसा कमाने का जरिया नहीं है। तो मैं भाजपाइयों से पूछना चाहता हूं कि बाबा साहब के द्वारा लिखे गए संविधान की वो किताब दिखा दीजिए जहां पे राजनीति को लूटने का धंधा बताया है। सेना तो देश सेवा के लिए है, तो क्या राजनीति लूटने के लिए है? 12 करोड़ की गाड़ी में प्रधानमंत्री घूमेंगे देश सेवा के लिए, 8,000 करोड़ के जहाज में प्रधानमंत्री घूमेंगे देश सेवा के लिए, 1,000 करोड़ रुपए देश के केंद्रीय मंत्रियों पे, मंत्रियों पे, मुख्यमंत्रियों पे, प्रधानमंत्री पर खर्च होगा देश सेवा के नाम पे, सांसदों विधायकों के लिए, उनको जिंदगी भर की पेंशन, जिंदगी भर की मेडिकल की सुविधा, बड़ी बड़ी तनख्वाहें, बड़े बड़े बंगले मिलेंगे देश सेवा के लिए। और जो हमारा जवान सीमा पर शहीद होने के लिए जाएगा उसको तुम शहीद का दर्जा भी नहीं दोगे देश सेवा के लिए, उसको परमवीर चक्र भी नहीं दोगे देश सेवा के लिए, उसको अशोक का चक्र भी नहीं दोगे देश सेवा के लिए, उसको पेंशन भी नहीं दोगे देश सेवा के लिए, मेडिकल की सुविधा भी नहीं दोगे देश सेवा के लिए, उसके परिवार को कोई सहायता नहीं दोगे देश सेवा के लिए, उसका कोई सम्मान नहीं दोगे देश सेवा के लिए, यहां तक कि कैंटीन का कार्ड भी नहीं दोगे देश सेवा के लिए। तो क्या देश सेवा के लिए दोहरा मापदंड है भाजपाइयों का कि राजनीति में रह के जो देश सेवा करेंगे वो प्रधानमंत्री 12 करोड़ की गाड़ी में घूमेंगे, 8,000 करोड़ के जहाज में घूमेंगे, और सीमा पर सुरक्षा करने के लिए जो अपने प्राणों की आहुति देगा उसको शहीद का दर्जा भी नहीं देंगे, उसको मेडल भी नहीं देंगे, उसको 4 साल की नौकरी के बाद सैनिक भी नहीं मानेंगे? ये आप कहना चाहते हो? और क्या ये भारत माता की रक्षा के साथ गद्दारी नहीं है भाजपाइयों की? मैं बिहार के उस बददिमाग मंत्री से पूछना चाहता हूं जिसको तुम नौजवानों को आतंकवादी कह रहे हो, जिहादी कह रहे हो, मैं पूछना चाहता हूं भाजपाइयों तुमसे कि बताओ क्या ये सेना की सुरक्षा के साथ, भारत माता की रक्षा के साथ गद्दारी नहीं है? आज के समय में एक जवान सीमा पर लड़ने के लिए तैयार होता है 1 साल की ट्रेनिंग के बाद, फिर बटालियन में 1 साल की ट्रेनिंग, फिर 2-3 साल के फील्ड के एक्सपीरियंस के बाद 5-6 साल जब नौकरी कर लेता तब वो युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार होता है। और 5-6 साल की ट्रेनिंग के बाद ही किसी जवान को बड़े ऑपरेशन में लगाया जाता है। तुमने कहा 6 महीने की ट्रेनिंग में वो पाकिस्तान और चीन से लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा? सियाचिन में -45 डिग्री टेम्परेचर और राजस्थान के बॉर्डर पे 50 डिग्री टेम्परेचर में अपने आप को गलाने वाला जवान, उसको आप कह रहे हो 4 साल में उसको निकाल के बाहर कर दोगे? 6 महीने की ट्रेनिंग में वो लड़ने के योग्य हो जाएगा? उसकी 6-8 महीने की आप छुट्टियां निकाल दीजिए तो बचा कितना समय? 3 साल? 3 साल की नौकरी में एक नौजवान को अगर भविष्य की पेंशन का भरोसा नहीं होगा, शहीद का दर्जा मिल जाए इस बात का भी भरोसा नहीं होगा, पेंशन मिलेगी इस बात का भी भरोसा नहीं होगा, उसके लिए मोटिवेशन का एक कारण तो बता दो, क्या मोटिवेशन होगा उसका? कल एक भाजपा के प्रवक्ता मेरे साथ बैठे हुए थे तो उन्होंने कहा कि जो ट्रेंड सोल्जर होते हैं वही युद्ध के परिस्थितियों में लगाए जाते हैं। बिल्कुल सही बात कहा उन्होंने, जो ट्रेंड सोल्जर होते हैं वही युद्ध की परिस्थितियों में लगाए जाते हैं। इसका मतलब जब युद्ध की परिस्थितियां होंगी तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को फोन करेंगे कि मोदी जी आपके पास ट्रेंड सोल्जर तैयार हो गए? चीन का राष्ट्रपति फोन करेगा मोदी जी को, हां तो मोदी जी आपके पास ट्रेंड सोल्जर तैयार है क्या, अब हम युद्ध करने आ रहे हैं? ये कैसी बातें कर रहे हो आप लोग? क्यों देश की सुरक्षा के साथ इतना बड़ा धोखा कर रहे हो?
क्यों हमारी सीमा के सुरक्षा के साथ, भारत माता की रक्षा के साथ धोखेबाजी कर रहे हो, गद्दारी कर रहे हो? यह देश तुमको माफ नहीं करेगा। और जो पैसों की कमी का ड्रामा बता रहे हो, जो सहारा पैसों की कमी का, आर्थिक संकट का तुम बता रहे हो, वो पूरी तरीके से बेबुनियाद और झूठी है। मैंने तो आंकड़ों के सहित बताया था, 10.5 लाख करोड़ रुपए चंद पूंजीपतियों का देश की सरकार जो अगर आज चाहे तो आज वसूली कर सकती है, 10.5 लाख करोड़ रुपए चंद पूंजीपतियों का बकाया है। बैंकों से खाली कर लिया उन्होंने हमारा आपका पैसा, 10.5 लाख करोड़ रुपए। आज आर्थिक संकट हिंदुस्तान की जनता के कारण नहीं है, हिंदुस्तान की जनता ने तो 20 लाख करोड़ रुपए आपको डीजल पेट्रोल में टैक्स दे दिया, तमाम चीजों पर टैक्स दे दिया। आपने अपने मित्रों से हिंदुस्तान की जनता का पैसा लुटवाया। मेहुल भाई नीरव मोदी से 20,000 करोड़ लुटवा दिया, नितिन संदेसरा से 6,000 करोड़ लुटवा दिया, विजय माल्या से 10,000 करोड़ लुटवा दिया, ललित मोदी से 2,800 करोड़ रुपए लुटवा दिया, पूरे देश का खजाना खाली कर दिया। तो ये जो बड़ी लूट करने वाले लोग हैं, इनसे आप 10.5 लाख करोड़ रुपए वसूल लें। तो मैंने तो जोड़ के बताया था कि अगर बड़ी बड़ी तनख्वाहें इन 46,000 जवानों को आप देंगे, बड़ी बड़ी तनख्वाहें, क्योंकि 55,000 रिटायरमेंट हर साल फौजियों का होता है और 46,000 इस अग्निपथ योजना में आप लेने जा रहे हैं। पहली बात तो ये जान लीजिए कि कोई करोड़ों नौजवानों को नौकरी आप देने नहीं जा रहे हैं। 20 करोड़ नौजवान हिंदुस्तान में बेरोजगार है, जिसमें से मात्र 46,000 लोगों को आप हर साल इस अग्निपथ योजना के तहत नौकरी देंगे। अब अगर इनको आज के मुताबिक लंबी मोटी तनख्वाह देके, आप अच्छी तनख्वाह देके अगर 20 साल तक इनकी सेवाएं लेते हैं, तब भी 40,000 करोड़ से ज्यादा नहीं आएगा, 40,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च नहीं आएगा। इतना तो अपने भाई से ही मांग लेते आप तो मिल जाता, मेहुल भाई से और नीरो भाई से और विजय माल्या से और नितिन संदेसरा से। आपके इर्द गिर्द वाले जितने भाई लूट के हिंदुस्तान को बाहर गए, उन्हीं भाइयों से मांग लीजिए, 20 साल की तनख्वाह आपको मिल जाएगी। तो ऐसे तर्क दे के हिंदुस्तान के नौजवानों के साथ खिलवाड़ मत करिए आप। और मैं समझता हूँ कि देश की सुरक्षा, सीमा की सुरक्षा ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और इसलिए उसके नाम पर पैसे का और आर्थिक संकट का बहाना एक झूठी और गलत बात है। ये नौजवानों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ है। मैं प्रधानमंत्री जी को ये पत्र लिख रहा हूँ कि ये अग्निपथ योजना को आप पूरी तरीके से निरस्त कीजिए, ये हिंदुस्तान के नौजवानों के साथ धोखा है, ये उनके पेट और पीठ पर लात मारने का काम आपकी सरकार ने किया है, ये भारत माता की सुरक्षा के साथ भी गद्दारी है, और इसलिए ये अग्निपथ योजना तत्काल वापस होनी ही चाहिए। आपका कोई प्रश्न हो? देखिए, ईडब्ल्यूएस से जुड़ा हुआ कभी भी कोई मामला आया तो हम लोगों ने उसको गंभीरता से लिया है और कई केसेस में फाइन भी किया है स्कूलों के ऊपर। ईडब्ल्यूएस में जो तय व्यवस्था है बच्चों की पढ़ाई के लिए, इकोनॉमिकली वीकर जो हैं, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवार हैं, उनके बच्चे वहाँ पर पढ़ते हैं, उसमें किसी भी प्रकार की अगर आप उनसे अतिरिक्त फीस की वसूली करते हैं तो ये EWS कोटा के अंदर लिए गए एडमिशन्स का खुला घोर उल्लंघन है, और हमारी सरकार इस पे ज़रूर कार्रवाई करेगी। आप जिस केस के बारे में बता रहे हैं उसके बारे में तो मुझे सीधे तौर पे नहीं कुछ पता है, लेकिन उससे संबंधित कोई शिकायत आएगी तो ज़रूर हमारी सरकार उस पर कार्रवाई करेगी।